तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं आपका 80 घाट के नज़ारे। हालांकि देखा जाए तो 80 घाट पूरी तरह से डूब चुका है, और उसे दिखाने के लिए मुझे कई रास्तों से होकर गुजरना होगा, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर हमको घूमना होगा जो कि 80 घाट दिखाना होगा। 80 घाट तो पूरी तरह से आपका डूब चुका है, सीढ़ियाँ डूब चुकी है, लेकिन जहाँ से हो सके मैं वहाँ से आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ वाराणसी के नगवा एरिया में, जो कि नगवा से ही सटा हुआ आपका 80 नाला, 80 नदी कह सकते हैं, और बहुत से लोग उसे 80 नाला के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी आपके शहर के गंदगी है उसी से बहते हुए आपका गंगा नदी में जाता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा रोड पर पानी आ चुका है, तो और इस साइड घरों में भी पानी घुस चुका है, क्योंकि ये देखा जाए तो आपका 80 जो नदी है उसी से सटा हुआ ये लोग घर बनवाए हैं। ये देख रहे हैं, चलिए इस साइड से घूमते हुए थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, इस साइड आपका है शौचालय एवं स्नान गृह, इस साइड ये देख रहे हैं, और आगे जाने के बाद इस साइड एक पुलिया बना हुआ है जो कि 80 नदी को पार करने के लिए यहाँ पर एक पुलिया बनाया गया है। और ये देख रहे हैं, ओवरफ्लो होकर ये रोड पर भी पानी आ चुका है, देखिए सामने ये देख रहे हैं नजारा। तो चलिए आगे भी कोशिश करते हैं, उस साइड जाते हैं तो उस साइड से भी आपको नजारा दिखाते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देख रहे हैं, पानी लबालब भरा हुआ है, हालांकि इस साइड से आप 80 घाट के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पानी एकदम लबालब भर चुका है, 80 घाट पूरी तरह से डूब चुका है। ये देखिए, ये है 80 नदी का नज़ारा कुछ इस प्रकार। आगे जाने के बाद इस साइड आप रविदास घाट के लिए भी आप नहीं जा सकते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा आपका जलस्तर जो बढ़ चुका है। ये देख रहे हैं, धीरे धीरे रोड का भी सत्यानाश हो रहा है, ये देखिए। तो इसी प्रकार देखेंगे ना, इस प्रकार जिस साइड है उसी प्रकार देखेंगे आगे भी हाल बहुत ही खराब स्थिति है। और आगे ही जाने के बाद यहाँ पर सामने एक मठ है जो कि वह भी आपका बाढ़ में डूब चुका है, क्योंकि देखा है तो आपका 80 नदी के किनारे ही आपका बना हुआ, तो क्या होगा, डूबेगा ही। ये सामने एक शिलापट लगा हुआ है, यही आपका है, ये देखिए, ये यहाँ पर एक मेन रास्ता था। ये देखिए, हाल कुछ इस प्रकार है इस साइड। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ था, जो कि बोर्ड पर धीरे धीरे आपका जो लिखा हुआ था पूरा मिट गया है। और आगे ही जाने के बाद इस साइड आपका है सतगुरु रविदास स्मारक एवं पार्क, यानी कि शॉर्टकट तरीके से आपका रविदास पार्क, ये मेन है प्रवेश द्वार। यहाँ पर देखिए, एक बोर्ड भी आपका आ चुका है जो कि लिखा हुआ है संत गुरु रविदास पार्क नगवा वाराणसी नोट, पार्क में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण से आगंतुओं को प्रवेश वर्जित है, यानी कि इसके अंदर भी पानी आपका भर चुका है। तो चलिए कोशिश करते हैं आगे भी जाने का, तो आगे जाके आपको नज़ारा दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस साइड से यानी कि नगवा साइड से मैं आ गया हूँ आपका 80 घाट साइड में जाने के लिए। ये देख रहे हैं, यहाँ पूरा बाढ़ तक पूरा पानी आ चुका है, ये देख रहे हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार है। वहाँ पर था आपका इसके बनारस, जो कि वह भी आपका पूरी तरह से एक टी स्टॉल था, वो भी आपका पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, यानी कि इस साइड से आप आगे जा नहीं सकते हैं, यानी कि अगर आप उस साइड जाएंगे तो उस साइड आपका कमर से भी ज़्यादा आपका पानी है। ये देख रहे हैं, ठेठ बनारसी पार्टी चोखा रेस्टोरेंट भी था इस साइड दाहिने साइड में, जो कि वह भी आपका डूब चुका है बाढ़ में। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ 80 घाट के मेन रोड पर। ये सीधे रास्ता आपका चला जाएगा, वैसे तो आपका गोदौलिया के लिए चला जाएगा, यानी कि ये रास्ता पकड़ के जाएंगे, वैसे त्रिमोहानी है वहाँ पर, यानी कि चौराहा। आगे जाने के बाद चौराहा बाएं साइड में जाएंगे तो आप लंका के लिए चले जाएंगे, अगर चौराहा से अगर सीधे जाएंगे तो आप दुर्गाकुंड के लिए चले जाएंगे, वही दाहिने साइड से अगर जाएंगे तो आप चले जाएंगे गोदौलिया के लिए। और ये जो रास्ता है ये सीधे आपका चला जाएगा 80 घाट के लिए। और ये जो रास्ता देख रही है कॉलोनी के माध्यम से होते हुए आगे एक रास्ता कटा हुआ, जो कि ये भी आपका चला जाएगा लंका के लिए, यानी कि बीएचयू के लिए। और यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है, कि यानी कि भारी वाहन जो है अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि आगे आपका बाढ़ आ गया है और गंगा का जो जलस्तर है काफ़ी तेज़ी गति से इसमें बढ़ रहा है और काफ़ी आगे तक पानी आ चुका है, तो यानी कि बाढ़ देखने के लिए फ़िलहाल सभी लोग आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के अंदर,
हालांकि घाट तो पूरा पूरी तरह से डूब चुका है, 80 घाट। ये देखिए ये देखते हैं कहाँ तक पानी आया हुआ है। हालांकि मैंने उस साइड से दिखा दिया और उस साइड से घूमकर मुझे आने में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर मुझे लगा, यानी कि 2 से 2.5 किलोमीटर में घूमकर आया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी आपका रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी कि ये जहाँ तक मुझे लग रहा है यहीं पर आपका आरती होता होगा सुबह में, क्योंकि आगे गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और एक तरह से देखा है तो रास्ता को भी बंद किया गया है, यानी कि आगे आपका दोपहिया वाहन न जा सके। ये देखिए पुलिस प्रशासन की टीम भी आपका तैनात हो गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सर देख रहे हैं कुछ लोग हैं और इस साइड आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पानी आपका आया हुआ है। तो फिलहाल पानी देखिए, पानी आपका यहाँ तक आ चुका है, देख रहे इस साइड। ये देखिए जो ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर के ही ठीक बगल में बाएं साइड से रास्ता था आपका 80 घाट जाने के लिए, जो कि गंगा का जलस्तर देख रहे हैं कहाँ तक आ चुका है, तो यानी कि जाना काफ़ी मुश्किल है। अब तो देखा जाए तो कमर से भी अधिक आपका पानी इस समय आ चुका है, यानी कि उस घाट तक पहुँचना इस समय मुमकिन नहीं है। ठीक है दोस्तों 80 घाट के जो मेन रोड है, उसी मेन रोड से एक बाएं साइड में एक रास्ता कटा हुआ है, यानी कि अगर आप आ रहे हैं उस साइड से, क्या कहते हैं कि लंका से या फिर कहीं आप दुर्गा कुंड से आ रहे हैं, तो बाएं साइड में एक रास्ता कटा हुआ है, यानी कि ये जो गली है ये सीधे आपका चला जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली के लिए। और 80 घाट का जो मंदिर है, मंदिर जाने के लिए देखिए इस साइड जाना होगा, तो चलिए इस साइड चलते हैं। बहुत से लोग जो कि गली के माध्यम से ऐसे आ रहे हैं घाट पर तो जा नहीं पा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सामने देखिए एक मंदिर है सीताराम, ये देखिए यही है मंदिर आपका 80 घाट का। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, यहाँ से भी आपको नज़ारा दिखा देते हैं। नज़ारा यानी दृश्य, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया नज़ारा मत बोला कीजिए, दृश्य बोला कीजिए, तो यही है आपका दृश्य, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक रेस्टोरेंट है, ये देख रहे हैं एक रेस्टोरेंट है और यहाँ से भी आप नज़ारा ले सकते हैं। वो देखिए वो मंदिर दिखाया तो पूरी तरह से डूब चुका है, मात्र ये देख रहे हैं बस खाली शिखर दिख रहा है। इस साइड आपका गली में देखिए शौचालय जो है आपका सुलभ शौचालय, ये भी आपका डूब चुका है आधा, यानी कि सामने एक था गली। देख रहे हैं बहुत से लोग आपका घाट की सीढ़ी पर आनंद ले रहे हैं गंगा नदी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
दोस्तों सामने देख रहे होंगे जो कि सामने एक गली है, इसी गली के माध्यम से मैं लोलारक कुंड होते हुए मैं आपका तुलसी घाट आया हूं। यहां पर देख रहे हैं बहुत ही पुराना आपका यह मंदिर है और ये जो रास्ता यही आपका जाएगा तुलसी घाट के लिए। ये देखिए जो कि भदानी घाट से ही सटा हुआ है आपका। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो घाट है ये आपका है भदैनी घाट, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि ये तुलसी घाट है जो कि इसी से सटा हुआ है, तो तुलसी घाट जाने के लिए देखिए इस साइड से गली गया है, तो यही आपका जाएगा तुलसी घाट के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या स्थिति है। हालांकि स्थिति देखा है तो बहुत ही ख़राब है, घाट पूरा डूब चुका है। अगर आप विचार बना रहे होंगे, अगर बनारस के बाहर से होंगे, अगर वाराणसी घूमने का विचार बना रहे होंगे तो आप वाराणसी घूम सकते हैं, लेकिन वाराणसी का जो घाट है वहाँ पर आप नहीं घूम पाएंगे। तो अगर वाराणसी घाट घूमना होगा तो आप एक आध महीने बाद ही आएंगे तभी सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ मेन घाट पर जिसका नाम था तुलसी घाट। तो यही है आपका मेन, कुछ लोग हैं यहाँ पर देखिए ना पलटा धो रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं सामने। तो चलिए इस साइड से घूमकर और आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये है नजारा कुछ इस प्रकार। चलिए इस साइड से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे जो कि जैसा कि मैं आ चुका हूँ तुलसी घाट, मैंने पहले ही बता दिया है। ये देख रहे हैं जो कि दीवार पर भी आपका लिखा हुआ है, कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर सामने आपका स्नान भी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये देखा जाए तो आपका घाट देखा जाए तो लगभग आपका उस साइड है, काफ़ी ज़्यादा गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। तो इस सबको दिखा देते हैं, तो ये देखिए सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, यानी कि दृश्य। और ये सामने जो पुल देख रहे हैं ये आपका है रामनगर का पुल, जिसे सामने घाट पुल भी कह सकते हैं और आपका शास्त्री पुल भी कह सकते हैं। ये देखिए आगे जाने के बाद उस साइड आपका है रीवा घाट, रीवा घाट के आगे आपका है गंगा महल घाट, और गंगा महल घाट के बाद आपका आ जाता है अस्सी घाट। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे जो कि सामने आपका श्री लोलाकेश्वर, लोलारकेश्वर महादेव, लोलारक कुंड। और हालांकि देखा जाए तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि 2 सितंबर से आपका नहान है। यहाँ पर देख रहे हैं बैरिकेड लगाया जा रहा है, इस साइड आपका है लोलारक कुंड इस साइड। चलिए इस साइड से आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा अपडेट देते हैं। कुछ लोग हैं जो कि लोकल लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।